नमस्कार दोस्तों, प्रीति स्विंगर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। जैसे कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद भी अब करीब ही है, तो मैंने सोचा कि आज हम कुछ अलग हटके बनाते हैं। आज हम एक अरेबिक डिश बनाने जा रहे हैं जिसे कुनाहवा कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, हमको सबसे पहले शुगर सिरप बनाना है, चाशनी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के लगभग शुगर ली थी और 1/2 कप के लगभग मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। इनको हमको अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टलाइज ना हो बाद में हमारी जो चाशनी है, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक नींबू का टुकड़ा इसमें डाल दिया है जो हमारे चाशनी को बाद में जमाएगा नहीं, थिक नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, रोज़ वाटर है, तो आप वो भी 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। हमारी चाशनी देखिए बनकर रेडी है। गैस मैंने बंद कर दिया है। ये लेमन का पीस हम इसमें से निकाल देंगे और हमारी चाशनी को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पे देखिए मैंने सिवैयाँ ली है, इसे वर्मीसेल भी कहते हैं। बारीक वाली हमको यहाँ पे लेना है इसे, और हमको एकदम इसे बारीक छोटे छोटे महीन टुकड़े इसके कर लेने हैं हमको। देखिए इस तरीके से हमको इसको हमने पूरा चूगा जैसा कर बना लिया है इसका। आप मिक्सर में भी चाहे तो इसे कर सकते हैं ग्राइंड। अब यहाँ पे मैं 4 से 5 बड़े चम्मच बटर ले रही हूँ। आपके पास अगर बटर नहीं है, घी है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक केक का टिन ले लिया है, उसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस हमको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि जब हम इसे पलटेंगे तो ये अच्छे से निकल सके, इसमें चिपका ना रहे। इसके लिए अब ये जो हमने सेवई को क्रश किया था उसको इसमें हम डाल देंगे। चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेना है हमको। देखिए इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से हमको इसको स्प्रेड करना है। ये देखिए हमने स्प्रेड कर लिया है इसमें चारों तरफ से अच्छे से इसमें। अब ये यहाँ पे मेरे पास पनीर है। आपके पास मावा है तो आप मावा भी ले सकते हैं, कॉटेज चीज़ आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं इस पर। यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग मैंने ये लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी मेरे पास घर की मलाई, अगर आपके पास नहीं है क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 5 से 6 बड़े चम्मच में इसमें मलाई डालूँगी। ये एकदम ऐसा क्रीमी टेक्सचर इसका बन जाएगा और जो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो डालिए इसमें, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा क्वांटिटी आप ज़्यादा रखेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये बचा हुआ जो हमारा सेवई था हम उसको इसमें डाल देंगे। और पूरी तरीके से ऊपर से हमको इसको पैक कर देना है इस तरीके से। देखिए अब हमको यहाँ पे इसे आप बेक कर लेंगे हम। यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट 200°C पर मैं इसे बेक करूँगी। और ये चाशनी में मैं अब थोड़ा सा 1/4 चम्मच यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारी जो कुनाफा है डिश वो बनकर रेडी है। मैंने उसे एक प्लेट पर पलट लिया है। अब हम इसमें गरम गरम थोड़ा शुगर सिरप इसमें डालेंगे। शुगर सिरप जितना अच्छा इसमें हम डालेंगे, ऐड करेंगे, वो उतना ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे हम इसे पिस्ताचू से या पिस्ता से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी है, खाने के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। मैंने इसे पीस में कट कर लिया है और ये देखिए कुछ अलग, कुछ नया अमेजिंग रेसिपी है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.